Thank you.
श्री कृष्ण राधा हरि गोकुल गोपाल गोवरि हरनाथ विष्णु श्री कृष्ण राधा हरि गोकुल आपके मन में ऐसा ना रहे कि मैंने अपने सुख के समय पर माता पिता की सेवा नहीं की, तो मां ने आपके पास में पिता का समय और अपना समय दो समय आपको दे दिए जीने, आपको सेवा करने। और बहुत खुश नसीब ये परिवार है जिस परिवार ने तन मन के साथ में सेवा तो की, लेकिन सेवा के साथ साथ जब तक माँ जीवित रही तब तक उसकी सेवा में कोई भी कमी नहीं आने दी। जहां से उन्होंने दीक्षा ली थी जैसे जैसे आयु बढ़ती गई तो माता जी को और भी फूल मिले। परिवार में भाई पंकज राणा जी और उनके साथ में गीतू जी आए परिवार के अंदर। गीतू जी ने बहुत सेवा की माँ की, जितनी कमला बहन जी ने माँ की सेवा की उतनी ही सेवा पंकज ने और गीतू ने की। शायद उनको एहसास इतना मैंने महसूस किया कि जितना दुख रंजीत भाई साहब को नहीं होगा जितना पंकज को उस दिन था। बहुत कमी महसूस की इन्होंने माँ के जान की, लेकिन तत्ती वा ना लागे ही पार ब्रह्म शरणाई। माँ तो उसकी भक्त थी, जो गुरुमुख होते हैं जिन्होंने गुरु से दीक्षा ली हो उनको गुरु महाराज अपने पास बुला लेते हैं, आवागन के चित्र से मुक्त कर देते हैं। ये गुरु कृपा है। वेदा व्यास वालों की जो सेवा की माने, कितनी बार आना कितनी बार जाना, जब माँ पूरे होश हवास में थी घर में तो उस समय अनेकों बातें होती थी और अनेकों बातों के साथ साथ बच्चों को मना नहीं करना उन्होंने कि तुम कौन सी पूजा कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन आप अपनी मस्ती में बच्चों का पूरा साथ देती थी। जैसे जैसे जी पूरे
पूरा कॉपरेट करती थी माता जी, कभी किसी कार्य में दखलंदाजी नहीं दी कि अगर मैं इनको मानती हूँ तो तुम किसको मानती हो। अभी परिवार है, माँ का भक्त है और माँ की सेवा की है इस परिवार ने। धार्मिक सेवाएं तो करते ही हैं, समाज की सेवा करते हैं, धार्मिक संस्थानों में अपना पूरा तन मन धन से योगदान देते हैं। ये माँ की कृपा है, माँ के वंश हैं। जैसी माँ होगी वैसा ही वंश होगा। तो रंजीत राणा जी किसी भी कार्य के लिए इनके पास में कोई भी, और कई बार तो क्या होता है, कुछ लोग दान देते हैं लेकिन बाद में एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि ये लेने के लिए आ गए, ये लेकर जा रहे हैं, लेकिन इतने धार्मिक कार्य हों या सामाजिक कार्य हों, किसी भी कार्य में इन्होंने अगर सेवाएं दी हैं तो कभी भी इन्होंने मन में गिला शिकवा नहीं रखा कि ये मेरे पास में क्यों आ गए। धन जो है बहुत प्रिय होता है, लेकिन जीवन के अंदर चरित्र जो है सबसे बड़ा धन है, और चरित्र ही मनुष्य की पहचान है। If character is lost, everything is lost. चरित्र का निर्माण कितने लोगों को समझने का अवसर मिलता है, ये माँ के बच्चे हैं। और माँ के बारे में और मैं क्या शब्द बतलाऊं, कथाएं तो इनको घर में रोज एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे खूब सुनाता था, लेकिन आज तो अपने मन की बात कहने के लिए यहाँ पर अपनी बातें कर रहा हूँ, कथाएं नहीं। तो माँ के स्वभाव के बारे में आपको बताऊं, माता पूर्ण ज्ञान थी। जितना परिवार से प्यार करना, कमला बहन जी को उन्होंने डांटना मेरे सामने भी कई बार करती मारने, और उतना ही दिल से प्यार करती थी, ये तो थी, डांट भी सहन करती थी और हंसती भी रहती थी। माँ की बहुत सेवा की है इस परिवार ने। इस परिवार की एक आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है ये परिवार आप सबके लिए, जिन्होंने माँ की सेवा करने में पीछे नहीं लिया, हंसते हंसते माँ की सेवा की है। आज रंजीत भाई सब को या कमला बहन जी को ये आज महसूस हुआ है कि मेरे माता पिता नहीं हैं, शायद पिता का जाने का दुख इनको महसूस नहीं हुआ क्योंकि माँ ने संभाल लिया, लेकिन आज उन दोनों की कमी इस परिवार को हो रही है। पिताजी इनके जिनका अवसर मैंने बताया कि माँ ने आपको दोनों की सेवा का अवसर दिया, ताकि मन में ये आपके रहना चाहे कि मैंने अपने पिता की सेवा नहीं की। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मांड के अंदर सेवा का अवसर किसी ना किसी रूप में हमें मिलता ही रहता है, शायद माँ के रूप में हमें ये अवसर मिला। परिवार के साथ में वैसे तो इस परिवार का जितने भी परिवार यहाँ तक कि छोटे से लेकर बड़ा और बड़े से लेकर छोटा इस परिवार से जुड़ा हुआ है, और सभी के साथ में ये परिवार दुख सुख में खड़ा होता है। नाम अनेकों हैं जिनके साथ में ये परिवार खड़ा हुआ है, और माँ का भी ऐसा रवैया था कि माँ जब तक जीवित रही, जब तक घर के दरवाजे के बाहर रही, एक हफ्ते पहले थोड़ा सा शरीर उनका काम नहीं करता था तो आना जाना बंद कर दिया। एक हफ्ते पहले रंजीत भाई साहब ने गाय का दान अपनी माँ के हाथ से करवाया, जैसे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि माता पिता के लिए वो बड़भागी पुत्र है। ये कथा ही है, कथाओं में लिखा हुआ है कि ये दान वो दान अनेकों दान करवाते हैं, और मुझे साफ उन्होंने मना किया। आज भी सवेरे संदेशा आया कि पंडित जी हम कुछ भी देते हैं उसका नाम नहीं आना चाहिए, उसका जिक्र नहीं होना चाहिए मंच के ऊपर से, क्योंकि अगर जो दिया है उसका फल नहीं मिलेगा।
अगर देकर हमने उसका हिंदुरा पीटते हैं तो देना जो है ना फलीभूत नहीं होता, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। एक इंसान अगर थोड़ा सा भी देता है लेकिन उसका बही खाते में नाम चढ़ जाता है, और एक इंसान ऐसा है जो लाखों का दान करता है लेकिन उसके खाते में फिर भी बैलेंस नजर नहीं आता, क्योंकि उसने तो पहले ही शोर मचा दिया। माँ की नेचर थी, माँ का स्वभाव था, माँ की आदत थी कि जिसने भी घर के दरवाजे से निकलना माँ ने सबसे पहले उसको बुलाना और सबसे पहले पूछ कर उसका हालचाल पूछना। माँ 8 जून 2008 को परम प्रिय है, परमपिता परमात्मा राधा स्वामी अपने गुरु महाराज के चरणों में लीन हो गए। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं, परिवार से ये सारा समूह सारा कैंट जुड़ा हुआ है। नाम किस किस भी बुलाऊं, रंजीत भाई साहब के साथ में रहते हैं तो ये जितना भी यहाँ पर समुदाय बैठा हुआ है हर एक का नाम लेना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा, तो सभी ने इतना इस परिवार के साथ में खड़े रहते हैं और इस परिवार में या जैन परिवार में या आज भारद्वाज परिवार बैठा हुआ है, सचिव जी बैठे हुए, तो इसमें कोई महसूस हमें नहीं होता कि ये परिवार इस परिवार से शायद अलग है। जब मैं परिवार से परिवार में शामिल हुआ तो भाई साहब कहने लगे कि आपके साथ में आज से हमारे दो रिश्ते जुड़ गए, एक तो आपके साथ में हमारे कुल पुरोहितों का रिश्ता तो है ही है लेकिन साथ में दामाद का भी रिश्ता है, तो इस परिवार के प्यार का मैं दिला नहीं दे सकता जितना प्यार असीम, इसमें कोई बनावटी शब्द या कोई झूठी प्रशंसा करने वाले नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं मंच पर तो कई बार हम लोग ना चाहकर भी झूठी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सत्य है ये परिवार मन से प्यार करता है और जो जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं शायद उनको इनके मन की बात का पता हो कि ये कैसे लोग हैं। तो इतना बड़ा रूप बनाना, इतना बड़ा अपने आप को समुद्र बनाना बहुत मायने रखता है। घर में कभी ना हर समय किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है लेकिन कभी भी इस परिवार के अंदर शिकन नहीं आती, सेवा में सारा परिवार खड़ा रहता है। आज यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं माँ के चाहने वाले, माँ के परिवार के बच्चे, माँ की बहनें, माँ की बेटियाँ, दोते पोते पड़पोते पड़पोते आज उनके पीछे उनके दुनिया से अलविदा कहकर परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो गए हैं। घर के मेंबर के तौर पर माँ की सेवा की और मैं देख रहा था कि उनकी जब ये एक तरफ खड़े हुए थे तो आंखों में से आंसू आ रहे थे, इतना प्यार माँ से हो गया, माँ की सेवा करते करते माँ से इतना प्यार हो गया। समैया गुनीशा वंश माँ के दोते पोते धीरज मुंडू गुल्डी राकेशी मानी सस्से महेशी मानी सस्से, तो ये परिवार आज अपने आप को बहुत अधूरा महसूस कर रहा है। माँ के जाने का आज इन्होंने बहुत बिछोड़ा महसूस किया है, सारे संसार की उत्पत्ति माँ से हुई है, यादि भी सर्वभूति सुमात्र रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः, ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं जिस माँ के बच्चे इतने अद्भुत हैं। कल की कथा में यही प्रसंग चल रहा था, जननी जननी तो भक्त जन याद आता या सूर काहे तो बात है काहे तो आ, तो आइए हरि चर्चा करते हुए एक भजन और उसके बाद हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सबसे किया जाएगा। सभी ने अपनी आज की विदानी माँ के चरणों में, माँ अपने गुरु धाम में जा रही है हमसे अलविदा होकर। देखिए बड़े बड़े
संतों के लिए इतने इतने बड़े आयोजन होते हैं, इतने इतने बड़े महात्माओं के लिए सभाएं होती हैं, लेकिन एक आज की जो सभा है बड़ी अद्भुत सभा है। देखिए हम लोग एक तरफ हंस रहे हैं और रंजीत भाई साहब की आंखों में आज आंसू हैं, ये प्रेम के आंसू हैं, ये माँ के आंसू हैं। माँ शब्द ही ऐसा है जिस माँ का देना हम कभी दे नहीं सकते। दुनिया की हम सारी वस्तुएं दे सकते हैं लेकिन माँ का देना कभी नहीं दे सकते। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। बच्चा चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी कोशिश करे, लेकिन माँ का देना नहीं दे सकता। श्रवण जैसे पुत्रों की हम लोग कथाएं सुनते हैं, श्रवण की कथा अगर उनके माता पिता की इच्छा हुई तो पुत्र को कहा कि हे पुत्र हमने तीर्थ यात्रा करनी है, तो उस समय समय कैसा था, पुत्र ने बेंगी तैयार की, दो टोकरे बेंगी के अंदर लगाए, एक टोकरे के अंदर माँ को बिठाया, एक के अंदर पिता को बिठाया और पूरे भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा करवाई। जिस समय रंजीत भाई साहब घर में आते थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो एक दिन की बात मैं माँ के पास में खड़ा हुआ था, व्हील चेयर से हम लोग उसको ग्राउंड में लेकर आए तो वहां पर कहने लगी कि काका मैं बाहर जाना है। रंजीत भाई साहब आए, मैंने आते ही उनको कहा, मैं कह भाई माता बाहर को मनु दिल कर रहा है बेटे की, देखिए माँ बेटे का कितना प्रेम है। भाई साहब ने उसी समय बड़ा गेट खोला और माँ के लिए कहने के कारण हनुमान उनको माँ के लिए आए, वो हम आज भी श्रद्धा के फूल चाहते हैं। अच्छे इंसान को दुनिया कहीं भी याद करती है और जाने के बाद भी याद करती है। तो कुछ एक समय एक बात के ही वो काम कर, इंसान के लिए बहुत बड़ी जागृति, वो काम कर जिस काम को सब याद किया जाए। इतना सुंदर लिखा कि अगर जीवन जीने के लिए परमात्मा ने दिया है, अगर ये 86 लाख योनि के बाद जीवन प्राप्त हुआ है तो इस जीवन के अंदर कैसा कार्य होना चाहिए, वो काम कर जिस काम को सभी याद किया है। इस काम को याद किया करें, बहुत अच्छा आदमी है, समाज की सेवा के लिए इतना बड़ा काम कर दिया, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम किया है, उसको लोग याद करते हैं, उसकी लोग तारीफ करते हैं और उसके बाद वो नाम कर जिस नाम को अदब से लिया करें, ऐसा क्या जिस इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। जो माँ को अच्छा लगता था पुत्र को वही कार्य करना चाहिए, जो माता पिता को अच्छा लगे, ऐसा नहीं कि माता पिता कुछ सोचे और बच्चे कुछ और सोचे। मिसाल का है गुरु नारायण भगवान की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। शुक्रिया
माता श्री शांति देवी जी को श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए थे। एक मास बाकी उन्हां दी गति दे बारे मैं बयान नहीं करूंगा क्योंकि महाराज राधा स्वामी जी पहले महाराज चिताए हुए जीव सिगे जो तमाम दुनिया नींद के आगोश के सौंदी पाठ नाम नाम के बैठे होंगे सारे जहां के
हरविंदर सिंह पप्पू जी, नीरज सहगल जी, भरत कटवाल जी और भी बहुत सी चीतें इस दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा, हमारे मध्य समय हो गया लेकिन थोड़ा कुछ लोग बैठे हैं जो परिवार से बहुत निकटता रखते हैं, जो सभी निकटता रखते हैं लेकिन कुछ लोग अपने भाव को अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, तो मैं आग्रह करूँगा श्री मनोरंजन कालिया जी से, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब श्री मनोरंजन कालिया जी, वो आपके श्रद्धा सुमन के खड़े के विराजमान पूज्य पंडित जी, इस शोक सभा में उपस्थित बुजुर्ग, लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फर्मा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति नु स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र ठीक है कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। माता शांति देवी जी के शास्त्रा च लिखा हुआ कथन पूरा टुकदा है। 106 साल उम्र, आज सुपना हो गई है, बहुत घट है जिन्हें 100 साल तक हो गए, वैसे तक 80 साल 80-85 तक किन्ना कि इंसान की उम्र को। फर्मा बरदार औलाद रंजीत के रूप के बेटिया के रूप में पूर्णतः स्वस्थ है। माता जी धर्मपराई सी, उन्होंने अपने जीवन के अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया नेक बनाया और उसे संस्कार का सदका है कि रंजीत जी का राणा परिवार का नाम है स्थान है। बेटियां माता श्री के देते हुए संस्कारों की खुशबू ससुराल कर फैला रही है। कहते हैं अच्छे माली की पहचान उसकी फुलवाड़ी तो होती है, जो फुल रंग बिरंगे हों खुशबूदार हो तब व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है इस बात का माली बहुत सियाना है, और व्यक्ति की पहचान उसकी औलाद तो होती है, जो नेक समाज चरित्रवान होने से जीवन सफल हो जाता है। इस लिहाज न माता जी एक सफल जीवन जीते हैं। सो मैं ज़्यादा ना कहता होया अपने वालों भारतीय जनता पार्टी वालों श्रद्धा सुमन भेंट करता है, परमपिता परमात्मा की अरदास करता है, इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शना, परिवार को पाणा पड़न का बल बख्शना और जिड़ी फुलवाड़ी माता जी लगा गए हैं वो सदा हरी भरी रहे, गुजरो जो बात से तो दुआ मांग के चलो, जिसपे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे। आज आप सारे राणा परिवार के नाल माता जी की अंतिम विदाई के अफसोस प्रदान कर रहे हैं। कालिया साहब कह रहे थे कि माता जी 106 साल के सी और तंदुरुस्त रहे हैं, परिवार का सदस्य जिनी मर्जी और उम्र हो जाए किसी का घरों तो उन्होंने दिल नहीं करता, पर जो बुलावा आ जाता है उदों उम्र कोई नहीं देखता, उम्र 106 साल के हो छोटे हो फिर परमात्मा फिर जीव चावल लै जाता है, पर माता जी अंत में खुश गए हैं, परिवार चंगा श्री परिवार है, नेक परिवार है, सभ्य परिवार है। असी पोलिटिकली दिक्कत के रुकण के कई परिवार शरीफ होने का सभ्य होने का ढों करते हैं, पर राणा परिवार रंजीत जी पंकज जी असल दे विच श्री परिवार है, सभ्य परिवार है, समाजिक परिवार है, दुनिया का दुख दर्द समझने वाला परिवार है, और घर तकलीफा घर चलाने का बच्चों को सिक्ख्या देने दे एक माहिर जोड़ा है ये परिवार है। मैं एको बार रखूँगा ज्यादा नंबर साहब ने ज्यादा बीबी और बच्चे बोलने में लगी, मैं कह चाहता कि मापिया ने मूल रिश्ते पुत्रां ने मूल मकाना, जो मापे चंगे हो बच्चों के रिश्ते जोड़े है वो चंगे घर भले परिवार हो जाते हैं, तो बच्चे आपका जीवन जोड़ा है चंगा बतीत करते हैं, क्योंकि बच्चे जिमें रंजीत जी है बच्चे है जो बच्चे चंगे हो पंकज जी बच्चे है तो मापिया के जाने तो बाद बड़ी वो गिनती लोग इस गल की तय यकीन आते हैं कि थोड़े मापे जोड़े है थोड़े माता जी या थोड़े पिता जी है एक नेक इंसान से, जो लोग अंतर क्रिया जब उठते आते हैं गिनती यही दर्शाती है लोग इस गल की तय करन आते हैं कि थोड़े मापे थोड़े माता जी बहुत समाजिक और सभ्य थे। तो मैं ज़्यादा लंबा समा नहीं बोलना, मेरा 1900 2005 तो परिवार ना हुआ है, जो मैं अस्तीफा दे के
ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਰਾ ਚੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੋ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਨੇਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਨੀ ਨੇਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਸਾਸਕ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿਵਾਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ 106 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 106 ਸਾਲ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵਣ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੋਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪਰਾਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਕਜ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਭੂਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇਹੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੂਆ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ 106 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰਨ ਔਰਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਲੱਖਣ ਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰਤ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
कि उन्हें अपने परिवार विच उस संस्कार विच कि अगर रो रहे सन मैं हैरान हो गई नहीं तो आम तौर पर पोतरे कहते हम जाना ही सी एडी लंबी उम्र सी तो पंकज जी रो रहे सन कहते मैं इदा लगता साड़ा घर ही खाली हो गया अज माता जी साड़ी घर की रौनक चले गए अज माता जी साड़िया आशीर्वादा जो सवेरे उठ के असं लैके जाते अज असी बाझे हो गए तो मैं एक गल कही कहते कोई पांच सत्त साल होर कर जाते जो बच्चे वो प्यार लै लगे वो नसीहत लैके तगड़े हो जाते ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਬੜਿਆ ਬਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਿੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਰਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਮਲਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਲਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਪੰਕਜ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਹਰ ਸਵਾਸ ਆਖਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮੀ ਮੋਹਤ ਬੋਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਕਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ ਪਤਾਓ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਚੰਗੀ ਦਾਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਵਲ ਸੀਰੀਅਲ ਕੇਵਲ ਨਾਟਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਓ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਤੌਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਬਤੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਪੱਬ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ ਜਿਤ ਸਮਰਾ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣ
ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਰ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੋ ਮੇਰ। ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਪਿਆਚੋ ਹਰ ਗੁਰਤੇ ਮਨ ਸੇਰਾ ਨਿਚ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋ ਫੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।